नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबर। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का नाम लिखी, एम्बुलेंस मरीज नहीं रेत ढो रही है। दूसरा खबर हम लोग जानेंगे, कल से बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को लगेगी वैक्सीन। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। जी हाँ, चलिए जान लेते हैं ऐसे ही 10 सबसे बड़ी खबरें बिहार की, वो भी आज की विस्तार से। पहला खबर निकल के आता है, बालू ढोने के लिए डायल करें 102। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पहले तो मरीज ढोने के लिए 102 डायल किया जाता था, लेकिन अब बालू ढोने के लिए 102 डायल करें। सही सुन रहे हैं, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का नाम लिखी हुई एम्बुलेंस मरीज नहीं रेत ढो रही है। पप्पू यादव ने जारी किया वीडियो। पिछले दो दिन से दर्जनों एम्बुलेंस को बिना इस्तेमाल के खड़ा रखने पर भी विवादों में आए रूड़ी। बिहार में कोरोना के बीच एम्बुलेंस विवाद से सियासत गरमाई हुई है। पहले भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी दर्जनों एम्बुलेंस को बिना इस्तेमाल के खड़ा रखने पर विवादों में आए, तो अब एक वीडियो में सांसद का नाम लिखी एम्बुलेंस रेत यानी बालू ढोती हुई देखी जा रही है। इस वीडियो को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए बहुत ही खुशहाल बड़ी खबर। कल से बिहार में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, 18 साल से ऊपर के लोगों का कल से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिए गए 1 करोड़ डोज के ऑर्डर में से 3.5 लाख डोज बिहार सरकार को मिल गई है। शनिवार को 1:10 पर इंडिगो स्पेशल फ्लाइट से कोविशील्ड की नई खेप पटना पहुंची है। इसे आज शाम तक सभी जिलों में भेज दिया जाएगा। दानापुर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिजली की तार से निकली चिंगारी ने उजाड़ दिया 24 परिवारों का आशियाना, जलकर राख हो गई 15 झोपड़ियां। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, दानापुर के दियारा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली के तार से निकली चिंगारी ने पल भर में आग का भयानक रूप ले लिया। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और 15 से अधिक झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया, एक साथ 24 परिवारों को बेघर बना दिया। अचानक हुए इस हादसे में राहत की एक बात रही कि कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, जो नुकसान हुआ वो आर्थिक तौर पर हुआ है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से रिपोर्ट, प्राइवेट बस वाले सीतामढ़ी सिवान का भाड़ा 220 की जगह 500 रुपए ले रहे हैं, रांची का 1000 ले रहे हैं। परेशान पैसेंजर बोले, भाड़ा छोड़िए, स्टैंड में न भोजन मिलता है और न पीने का पानी। जी आप सही सुन रहे हैं, शनिवार को बिहार ब्रेकिंग न्यूज टीम पटना में मीठापुर बस स्टैंड पहुंची थी। उस वक्त दोपहर के 12:10 का था। सिकंदराबाद से एक स्पेशल ट्रेन दानापुर आई थी। उस ट्रेन के काफ़ी सारे पैसेंजर्स ऑटो से मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे। इनमें कुछ लोगों को सुपौल जाना था तो कुछ को सीतामढ़ी। इसी तरह अलग अलग जगह जाने वाले कई और पैसेंजर्स थे। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और ऊपर से लॉकडाउन, इस वजह से सभी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। लंबी दूरी तय कर यह पटना पहुंचे थे। कुछ महिलाओं ने बताया कि कोरोना काल में रास्ते में न भोजन मिलता है और न पानी, बच्चों से लेकर सबको खाने तक को भटकना पड़ता है, पर रहा है मान मना, किराया की परेशानी और बढ़ जा रही है। पटना से बड़ी खबर निकल के आ रही है, पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की फंदे से लटकी मिली लाश। पीयू के स्टूडेंट ने दिन में दोस्तों के साथ खाना खाया, शाम में क्रिकेट खेला और अचानक बंद कमरे में मिली लाश। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले 24 साल के अमरदीप कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली लाश, वह भी हॉस्टल के कमरे में। मामला शनिवार की देर रात शाम का है। जैसे ही अमरदीप की मौत की बात सामने आई, हॉस्टल में रह रहे सभी स्टूडेंट के बीच हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पीरबहोर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की और कमरे की तलाशी ली, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया।
सारण का एम्बुलेंस मामला सामने आया। पप्पू यादव पर एफआईआर, सारण में दर्ज एफआईआर में कहा पप्पू यादव ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, लोगों से फिरौती मांगी, जान से मारने की धमकी दी। जी आप सही सुन रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ सारण के अमनौर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी अवतार नगर थाना क्षेत्र के धरौना गांव के पंचायत एम्बुलेंस संचालक समन्वयक राजन कुमार सिंह ने कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव कोरोना महामारी में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए विश्व प्रभार सामुदायिक केंद्र आए, यहां खड़ी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, इतना ही नहीं हथियार के बल पर फिरौती की मांग के साथ जान से मारने की धमकी भी दी। लालू की वर्चुअल मीटिंग कल हलचल तेज। जी आप सही सुन रहे हैं, बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है कि लालू की वर्चुअल मीटिंग जो है वो होने वाली है। एनडीए ने लालू के कार्यक्रम पर उठाए सवाल। आरजेडी ने कहा भयक्रांत हो गए हैं बीजेपी जेडीयू वाले, पटना आने पर कहीं सुसाइड न कर ले। राजद सुप्रीमो लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद बिहार में राजनीति में अंदर ही अंदर सरगमी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष हमलावर है तो विपक्ष उनके सक्रिय होने का इंतजार कर रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू यादव की जमानत जेल और उनके राजनीति को लेकर खूब प्रक्रिया दे रहे हैं। अभी लालू यादव बिहार नहीं आए हैं, लेकिन उनकी धमक बिहार में राजनीतिक गलियारे में दिखने लगी है। 9 मई को लालू यादव अपने विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसद, विधायकों और नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करने वाले हैं। इसको लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बिहार के उन वासियों के लिए बड़ी खबर जो बिहार में आ रहे हैं फ्लाइट से। जी हां आप सही सुन रहे हैं, कोरोना की चपेट में आए पटना एयरपोर्ट के 2 दर्जन कर्मचारी, 3 की हालत गंभीर, कामकाज प्रभावित। जी आप सही सुन रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से कामकाज पर असर पड़ने लगा है। लगभग 2 दर्जन कर्मी अभी संक्रमण से जूझ रहे हैं और 3 की हालत गंभीर है। कुछ कर्मी निजी अस्पतालों पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। संक्रमण की चपेट में आने वाले कर्मियों की संख्या अग्निशमन विभाग में है, लेकिन एटीसी सिविल इंजीनियरिंग व अन्य कई विभागों में लगभग 15 से अधिक कर्मी होम आइसोलेशन में है। भागलपुर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, 10 रुपए का इंजेक्शन लगाकर 400 वसूल रही थी महिला डॉक्टर, छापेमारी में हुआ खुलासा। जी आप सही सुन रहे हैं, सफेद एप्रन पहचान कुछ डॉक्टर मरीजों के इलाज के नाम पर उनसे वसूली भी कर रहे हैं। एक ऐसा भी मामला प्रकाश में आया है, शहर के एक नर्सिंग होम की महिला डॉक्टर ने 10 रुपए का इंजेक्शन के बदले मरीजों से 400 वसूल रही थी। शुक्रवार को ड्रग विभाग की टीम ने भीखनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित एक नर्सिंग होम में संचालित दवा की दुकान में जब छापेमारी की तो उस महिला डॉक्टर के साथ मालिक व नर्सिंग होम के कंपाउंडर की मिलीभगत का खुलासा हुआ। आरा से एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आरा में बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दलान पर सो रहे थे तभी अपराधियों ने मारी गोली, वार्ड पार्षद से चल रहा था विवाद। जी हां आप सही सुन रहे हैं, आरा में अपराधियों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी, बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। टाउन थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर मोहल्ले की है। शनिवार सुबह घर के दलान पर सो रहे बुजुर्ग पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, इसमें से 2 गोली बुजुर्ग के पेट में और 1 गोली है। गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया, स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, आसपास के लोग ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजनों का आरोप है कि गाँव के ही वार्ड पार्षद से पूर्व से विवाद चल रहा था, आशंका है कि उसने हत्या का प्रयास। बिहार के 15 सबसे बड़े खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आज का न्यूज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पे दबा करके जरूर देखें।